मेरे प्यारे बच्चों, चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। मैं हर्षाई चोपड़ा मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म का सेकंड फेज है, जो सेकंड पार्ट है, वो कब भरा जाएगा, उसमें क्या क्या डिटेल्स भरी जाएंगी, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स अभी हमें बनवाने हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ केरला का जो फॉर्म ओपन हुआ है, जिसके बारे में मैं 14 सितंबर को वीडियो भी बना चुका हूँ, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और हम ये भी चर्चा करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बनवा के अभी रख लेने हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी बुक का प्रमोशन जरूर करूंगा, क्योंकि इतनी मेहनत से जब मैंने बुक लिखी है तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो बुक में स्टेट कोटा की जो बुक है 320 पेजेज मैंने लिखे हैं। जितना भी आपको डाउट रहेगा या कुछ भी होगा, वो सारी चीजें मैंने लिख दी हैं, इसलिए आपको जरूर डाउनलोड करनी चाहिए और उसके अनुसार अपने काउंसलिंग करवानी चाहिए। आपको उससे बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। आप हमारी अगर पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जरूर कर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट टू है, ये कब से शुरू होगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एनटीए ने इस बार ये चेंज किया है कि एप्लीकेशन फॉर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट आपका भरा जा चुका है, जिसके बाद आप एग्जाम भी दे चुके हैं, और अभी सेकंड पार्ट भरा जाएगा। सेकंड पार्ट में कौन कौन सी डिटेल भरी जाएगी, इसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी डेट के बारे में मैं बताऊं तो अक्टूबर के सेकंड वीक में आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। और भरना कहाँ है, लोग इसका लिंक ढूंढ रहे हैं, कहाँ भरें, क्या करें, अभी शुरू ही नहीं हुआ है। वही भरा जाएगा जहां आपने नीट का पार्ट वन भरा है। आपने अगर कहीं से भरवाया है तो वहां से आप भरवा सकते हैं, और अगर आपने खुद भरा है तो नीट की जो वेबसाइट है उसी पर आपको लिंक मिलेगा। अभी कोई लिंक जनरेट नहीं हुआ है, ये लिंक होगा अक्टूबर के सेकंड वीक में। एक बार और बता दूं कि जब ये आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, सेकंड पार्ट फिल करोगे, उसके बाद ही आप स्कोर कार्ड निकाल पाएंगे। ये आपके रिजल्ट से पहले आपको अपलोड करना होगा। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर के पेज नंबर 34 से 36 पर इसके बारे में डिटेल दी गई है, पार्ट वन के बारे में जो आप फिल कर चुके हैं, पार्ट टू के बारे में भी वहां डिटेल दी गई है। तो ये तो बात हो गई कि ये एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा और इसका लिंक आपको कब मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता लग जाएगा जब सेकंड पार्ट शुरू होगा, पूरा गांव जग जाएगा सेकंड पार्ट शुरू होगा, तब हम भी आपको वीडियो बना के बता देंगे, बाकी यूट्यूब चैनल से भी आपको पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे। तो इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको चार डॉक्यूमेंट्स जो जो जिससे इफेक्टेड हैं, जैसे इसमें आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद में एजुकेशनल डिटेल फिल करनी है, एडिशनल डिटेल फिल करनी है, और डॉक्यूमेंट्स जो जो चाहिए आपको, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आपको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद 10th का सर्टिफिकेट हरेक स्टूडेंट को अपलोड करना होगा। इसके बाद में 4th जो सर्टिफिकेट है, इसमें सिटीजन सर्टिफिकेट, जो एनआरआई कैंडिडेट हैं उनको सिटीजन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। मैं आपको बता दूं कि ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड जरूर करने हैं और इनको आप अभी बनवा लें। अभी आपके पास टाइम है, एग्जाम हो चुका है, पढ़ने की कोई टेंशन नहीं है, तो इन सर्टिफिकेट को आप अभी से तैयार करके रख ले। जब आप इनको अपलोड करेंगे, एनटीए डेट देगा, उस डेट के अकॉर्डिंग आप उसको अपलोड करेंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट शो होगा, मार्कशीट तभी शो होगी। तो अगर आप इन दोनों से नहीं है, एनआरआई में आपने अप्लाई नहीं किया है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है, तो ये और कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी जनरल कैटेगरी से हैं, तो सिर्फ आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर बाकी कैटेगरी से हैं तो आपको ये दो चीजें अपलोड करनी होगी। 10th का सर्टिफिकेट आपके पास रहता ही है और कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं। तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात, ये डॉक्यूमेंट्स आपने पहले ही बनवा लेना है, अभी बनवा लो। काफी स्टूडेंट ये भी कॉल करते हैं कि सर हमारा पुराना है,
डॉक्यूमेंट्स तो जिनका एक साल हो गया है, जिनके डॉक्यूमेंट्स पर लिखा होगा एक साल हो गया है, तो वो दोबारा बनवा लें। कहीं कहीं एक साल के बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको दोबारा बनवाना पड़ता है। तो ये होगी डॉक्यूमेंट्स की बात। अब हम बात करते हैं पार्टिकुलर्स के लिए, हमें और इसके अलावा, ये तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, इसके अलावा क्या क्या फिल करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पर्सनल डिटेल में आपको क्या क्या फिल करना है। तो पर्सनल डिटेल में आपको पहली चीज ये फिल करनी है, उसमें पहला ऑप्शन ये आएगा कि अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो अपने पेरेंट्स के एक ही गर्ल्स हैं, आप ओनली वन गर्ल चाइल्ड हैं क्या, ये आपको यस और नो में फिल करना होगा। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा आपको प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ के रहने वाले हैं, वो भरना पड़ेगा, उसमें आपका रहने वाला जो स्टेट है आपका वो भरना पड़ेगा। इसके बाद में आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, यस या नो में फिल करना है। इसके बाद में रिलीजियस माइनॉरिटी, आप हिंदू मुस्लिम जो भी हैं वो आपको उसमें फिल करना होगा, ड्रॉप डाउन मिलेगा, ड्रॉप डाउन में आप फिल कर सकते हैं। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने सेल्फ प्रिपरेशन किया है या कोचिंग की है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो ये तो होगी आपकी पर्सनल डिटेल। इसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल फिल करनी है। एजुकेशनल डिटेल में 10th और 11th की आपको डिटेल्स फिल करनी है। इसके लिए 11th की और 10th की जो डिटेल फिल करनी है उसमें सबसे पहले पास स्टेटस, तो इसमें सभी का पास भी आएगा क्योंकि 10th और 11th में सारे पास होके स्टूडेंट आगे 12th का एग्जाम देते हैं, तो सारा इसमें पास भी आएगा, पास फिल कर देना। ईयर ऑफ पासिंग, आपने जिस ईयर में पास किया है 10th, ईयर ऑफ पासिंग, पासिंग में जिस साल आपने 10th पास किया है वो दे देना। 11th की डिटेल भरते समय 11th पास किया है वो दे देना। क्वालिफाइंग एग्जाम 10th की भर रहे हो 10th दे देना, 11th की भर रहे हो 11th दे देना। प्लेस ऑफ स्कूल कॉलेज, जिस स्कूल आपका 10th की जहां स्कूल लोकेटेड है वहां लिख देना है, उसका एड्रेस भी लिख देना है। टाइप ऑफ स्कूल, प्राइवेट है तो प्राइवेट, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट लिख देना है उसमें। इसके बाद में क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट और डिस्ट्रिक्ट फिल कर देना है। आपने 10th की डिटेल कर रहे हो तो 10th की भर देना और 12th की कर रहे हो 12th की। इसके स्कूल बोर्ड, स्कूल आपने कौन से कौन सा बोर्ड है आपका, जैसे सीबीएसई बोर्ड है या फिर कोई और दूसरा बोर्ड है। रिजल्ट मोड, रिजल्ट मोड में सीजीपीए या फिर आपका मार्क्स है तो वो दोनों में फिल कर सकते हैं। इसमें टोटल ऑब्टेन मार्क्स फिल करना है आपको, परसेंटेज फिल करनी है। सीजीपीए की कंडीशन में आप 95 से मल्टीप्लाई करके उसके मार्क्स निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसके बाद में रोल नंबर फिल करना है, स्कूल एड्रेस फिल करना है जहां आपका 10th 11th का स्कूल है, और उसके बाद में पिन कोड आपने फिल करनी है। तो ये तो डिटेल आपने पार्टिकुलर्स फिल करने हैं, इसके अलावा और कोई पार्टिकुलर्स नहीं होंगे। इसके बाद में सर्टिफिकेट का मैं आपको बता दिया कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो। इसके बाद में ये तो हो गई एप्लीकेशन फॉर्म की बातें, आपको क्या क्या फिल करना है। इसके बाद में एक जो पार्टिकुलर्स में और डिटेल है वो पेरेंट्स की इनकम डिटेल है, तो इसमें पेरेंट्स की, गार्जियंस की और अपने जो ये उनकी जो डिटेल डालनी है वो इनकम डिटेल डालनी है। इसके बाद क्वालिफिकेशन डालनी है, तो ये दो चीज भी डाल दीजिएगा। कोई आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अप्रोक्स इनकम डाल दें, एनुअल इनकम डाल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इस प्रकार से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म का सेकंड पार्ट फिल करना है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के 34-36 पेज पर दोबारा से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं केरला के एप्लीकेशन फॉर्म की। तो केरला एक ओपन स्टेट है, मैं पहले इसका वीडियो बना चुका हूं 14 सितंबर को, आप चैनल सर्च करके वीडियो देख लीजिए। उसमें आपको कैसे कैसे फिल करना है, तो आप इसकी अगर आप ओपन कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं केरला स्टेट में, वहां के प्राइवेट कॉलेजेज में वहां की जो फीस है वो 8 लाख से लेकर 22 लाख तक की फीस है, तो उसमें आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो 18 सितंबर तक शाम 4 बजे तक आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा। और अगर जिन कैंडिडेट का आ रखा है ऑब्जेक्शन नेटिविटी सर्टिफिकेट के लिए या 10th की मार्कशीट के लिए, तो वो भी 18 सितंबर 21 शाम 4 बजे तक इसको अपलोड कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, वो आप देख लीजिएगा। तो ये जानकारी थी पूरी की पूरी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में और केरला के फॉर्म के बारे में। वीडियो के अंत में आपको यही बता रहा हूं मैं आपको कि ये सर्टिफिकेट आपने जरूर बनवा लेना है अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो। 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट जो आपको अपलोड करना है उसमें फोटोकॉपी भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, ये मैं सोचता हूं क्लियर हो चुके होंगे।
अभी ज्यादातर लोग सिटीजन सर्टिफिकेट के उसमें भी डाउट में रह रहे हैं, तो सिटीजन सर्टिफिकेट एनआरआई की कंडीशन में ये बनता है, उसका प्रोफॉर्मा आपको मिल जाएगा, उस प्रोफॉर्मा के अकॉर्डिंग आप ये सिटीजन सर्टिफिकेट बनवा लीजिए अगर आप एनआरआई कैंडिडेट में अप्लाई कर रहे हैं तो। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। नए वीडियो में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।